मुद्दा है, किस विषय पर पत्रकार परिषद आपने बुलाई है, क्या बात है? मैं अपने तमाम पत्रकार भाइयों को बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से हमारे मुमरा कोसा के वो युवा नौजवानों को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर बहुत सारे नौजवानों को अगर नौकरी थी तो कहीं छूट भी गई और अगर लोगों ने तलाश की तो उनको नौकरियां नहीं मिल पाई, उसे देखते हुए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने यह हमें आदेश दिया कि एक रोजगार मेले का आप लोग बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करो और वो रोजगार मेला ऐसा होना चाहिए कि अपॉइंट लेटर जगह पे बच्चों को मिले। अक्सर रोजगार मेले इस तरीके से हुए हैं कामदार साहब जी, कि आते हैं लोग, फॉर्म भरते हैं और चले जाते हैं। वो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि भाई अपॉइंट लेटर बन करके मिल जाएगा, लेकिन मालूम पड़ता है फॉर्म भरे 500 लोगों का लेकिन 5 लोगों का होता है। अच्छा, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। उन चीज़ों को देखते हुए हमने और हमारे अपोजिशन लीडर सानू पठान साहब ने, हम लोगों ने एक दिन एक मीटिंग लिया जिसमें ये जो इस जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और उनके साथ हमारा जो चर्चा हुआ वो चर्चा इस तरीके से हुआ कि कौन कौन सी नौकरी मिलेगी, जॉब कौन कौन सा मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले ये है, हम बताना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और उस गांधी जयंती के मौके पे एक अच्छा प्रोग्राम करने की हम लोगों की चाहत भी थी, हमारे तमाम नगर सेवक मौजूद जफर भाई, इब्राहिम भाई और हमारे तमाम साथी रियान भाई और जो लोग भी हैं संगठन के लोग, सब लोगों की चाहत थी कि भाई हम लोग एक प्रोग्राम अच्छे से करें। और उसमें हमने सबसे पहला बैंकिंग का नाम रखा है, बैंकिंग का जॉब है। नंबर 2 मार्केटिंग का है, नंबर 3 लॉजिस्टिक का है, नंबर 4 टेलीकॉम का है, नंबर 5 KPO और BPO का है, नंबर 6 डाटा एंट्री का है। ये रोजगार मेला 2 अक्टूबर सुबह 11 बजे से मुबारक बाग हॉल जो बिल्डिंग है फयाज वीरानी साहब की, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि जब भी इब्राहिम भाई उनसे कभी कहा गया है तो उन्होंने हमेशा हॉल के लिए भी हम लोगों को करके दिया है वक्त से। तो 2 अक्टूबर को मुबारकबाग हॉल में ये प्रोग्राम को आयोजन किया जाएगा और मैं अपने शहर के तमाम नौजवान बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि आप आएँ और आ करके इसका लाभ उठाएँ। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, उनको क्या क्या लाना है, हम अभी फ़िलहाल बैनर भी लगा दिए हैं, लग रहा है उसके अंदर भी हमने उनको बता दिया है और वैसे 99% लोग जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इसमें चाहिए, जो उनका बायोडाटा वगैरह है वही उनको लेकर के आना है। कितनी कंपनीज यहाँ पर आपके साथ में टाइप करेगी और कौन कौन सी कंपनियाँ जा रही हैं? बताया मैंने आपको, मैं बताया आपको, आपको हमने बताया कि कंपनीज के नाम में सोच रही हूं। हाँ, आपको हमने बताया आपको भी बैंकिंग मार्केटिंग, देखिए हमने बताया आपको सेक्टर्स हो गए ना। हाँ, ये लोग का पूछना है। हाँ, हाँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपनी कितनी कंपनी जाएगी अलग अलग फैकल्टीज की? टोटल जो है 6 कंपनी होगी अलग अलग तरीके की। जी, 6 कंपनी अलग अलग तरीके की होगी और ये जो रोजगार मेला है, महारोजगार मेला है, ये इंशाल्लाह ताला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पेरेंट बॉडी और यूथ बॉडी की तरफ से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे तमाम नगर सेवक के सहयोग से। अल्लाह ने चाहा तो ये ऐसा रोजगार मेला होगा रफीक कामदार साहब, अब तक बहुत हम लोगों ने किया है लेकिन ये ऐतिहासिक तरीके का होगा क्योंकि अपॉइंट लेटर उनको जगह पे दिया जाएगा। ये मैंने और शानू भाई ने चर्चा किया है जो कंपनी के डायरेक्टर्स उनके साथ बैठ के हम लोगों ने इनके ऑफिस में बात किया, अपोजिशन लीडर ऑफिस में, और हमारा ये तय हो चुका है कि इंशाल्लाह ताला 2 अक्टूबर को सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक, शाम की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि लोग आएंगे तो वो बेचारे खुद बोले हैं जो डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी के लोग हैं कि हम लोग मार्केटिंग की जो टीम है कि सर हम लोग रात में अगर काम करना पड़े तो हम लोग काम करेंगे, शाम रात में 8 बजे तक भी हम नहीं जाएंगे, अपॉइंट लेटर दे के जाएंगे, फॉर्म भर के जाएंगे। इस तरीके से 2 तारीख को वहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि वहाँ पर इंटरव्यूज हो गए क्या उन लोगों के? देखिए जब कोई भी महारोजगार मेला, रोजगार मेला लगता है तो सीधी सी बात है आपका रिज्यूम लेकर के आपको आना होता है, आपका इंटरव्यू भी होता है। जो कंपनी के जो बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन करने के लिए आते हैं वो इंटरव्यू भी लेते हैं,
शानू भाई क्या कहेंगे रोजगार मेले को लेकर के? बस इतना ही कहूँगा कि आज कोविड के 2 साल के अंदर 20 महीने के अंदर एक तरफ बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियाँ खोई हैं, जो जाते थे मार्केट मॉलों में उन्होंने अपनी नौकरियाँ खोई है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, नौजवानों के नहीं जो इधर उधर नौकरियों के लिए परेशान है, इस परिस्थिति में नौजवानों के लिए बहुत बड़ा कदम है। हमारी दुआ है और हम ये कोशिश करेंगे कि ये रोजगार जो मेला है ये पूरी तरीके से सफल है। शमीम भाई, शानू भाई, रोजगार मेले का सब्जेक्ट है आपका, लेकिन उससे हट करके एक दो बातें, दो घटनाएं हुई है पिछले 2-3 दिनों में, आज भी एक हुई है, कल परसों एक हुई है, सड़क के गड्ढे भरने के मुद्दे को आपने खुद उठाया था विपक्ष नेता के तौर पर, लेकिन आप ही के पार्टी के कौसा ब्लॉक के एक पदाधिकारी हैं, वार्ड के हैं या शायद ब्लॉक के हैं, कन्फर्म हमें नहीं पता, हाशिम शेख, काफी कुछ उन्होंने पार्टी की नीतियों को लेकर के, पार्टी के कामों को लेकर के मीडिया के सामने जो है कटाक्ष किया है, निशाना साधा है, क्या अब हाशिम शेख को लेकर के पार्टी की सोच है, क्या फैसला लिया जा रहा है? बुलेटर लो, मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और मैं ये संदेश देना भी चाहता हूँ मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को भी। कल मेरा शानू भाई के साथ इस पर चर्चा हुआ कि इस तरीके के लोग जो हमारे साथ रह करके भी नहीं रहते, उनका एक कदम राष्ट्रवादी दफ्तर में होता है और एक कदम दलाली करने के चक्कर में कहीं और होता है। मैं उन सबको कह रहा हूँ, अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पोस्ट लेकर के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के, राष्ट्रवादी पार्टी की पॉलिसियों को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दरबार साहब के जो गाइडलाइंस है उससे हट करके जाके वो काम करने की कोशिश करेंगे, तो उनका हाल भी वही किया जाएगा जो इसका किया गया है। मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता, वो एक छोटा सा कार्यकर्ता था हमारी पार्टी का, जिसको ब्लॉक में जावेद शेख की तरफ से अपॉइंट किया गया था, लेकिन ये लेटर के अंदर हम बताना चाहेंगे कि 27/9 को आप डेट दिखा दीजिए, उसने कल पार्टी के खिलाफ जो भी अब शब्द बात किया है वो कल नहीं बल्कि 27 तारीख को जावेद शेख मेडिकल का मुझे लेटर आ चुका था, मेरे नाम से ये लेटर है, शानू भाई के नाम से लेटर है, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आदमी पार्टी के गलत गतिविधियों में पाया गया है, कई जगह पे ये रहना यहाँ करना कुछ कहीं और, तो उस तरीके से उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, पार्टी से पोस्ट और पार्टी से दोनों से। मैं बड़ी बात कहूँगा जिम्मेदारी के साथ, पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते, कि उस शख्स को पार्टी से और उसकी पद से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है और आगे भी कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ का कोई भी आदमी, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी शख्स अगर पार्टी के गलत गतिविधियों पाया गया तो उसका असर भी वही होगा जो इसका हुआ है। शमीम भाई,